अभी मुझे बिग बॉस का ऑफर भी आया है। मुझे ऐसा लगा कि पहली बीवी है बेचारी के साथ अन्याय हुआ है, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही 7 दिन में ये शादी करके भागी थी, फिर उसकी शादी में उसकी फ्रेंड पूरा शादी का सब कर रही है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड 7 दिन में अपने दूसरे उससे पति से शादी कर ली। शेम ऑन देम कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे, तो मैं तो दया के कारण वो पायल को मुझे दया आई और मैंने इसके लिए वीडियो बनाई कि हे बिग बॉस वालों की इसके बिचारी के साथ। लेकिन इसको तो बस रहमानी सुलेमानी बेईमानी अरमानी कीड़े निकले पायल मलिक में। वो मेरे खिलाफ ही मुझे मेरे खिलाफ ही मेरे नाम से पब्लिसिटी लेके मेरे पास्ट के बारे में बात कर रही है। उस गधी को अक्ल को समझाओ कि तुम लोग बिग बॉस में गए तो तुम लोग का तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोच रही। मैं बिग बॉस में जब एक बार जाते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, तो उनके बारे में पूरे दुनिया वाले बात करते हैं। लेकिन उसने मुझे चुना और देवोलीना को चुना ताकि वो पब्लिसिटी, हमारे नाम की गंदी पब्लिसिटी खा सके, चीप पब्लिसिटी खा सके हमारे नाम की। ऐसी औरतों तो लानत, ऐसी औरतों पे पायल मलिक जैसी, शेम ऑन देम, लानत ऐसी औरतों पे, लख दी लानत ऐसी औरतों पे जो हिंदुस्तान का समाज खराब करती है। कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मतलब वो चाहती है कि हिंदुस्तान के हर पति दो दो शादियां करे। कहती मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो अपने अपनी सौतन के साथ बहुत खुश हूं, हमारे चार चार बच्चे हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहती है ये औरत के हर पति दो दो शादियां करे? मतलब ये पति को तो, मतलब आप समझ रहे हो, मजे हो गए ना, घर वाली बाहर वाली, मतलब हमारी हिंदुस्तान की औरतें कहाँ जाएगी? ये पायल जैसी औरतें जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कलंक है ये। मैं तो बिचारी समझ के सपोर्ट करने गई थी, लेकिन ये तो हमारे नाम की पब्लिसिटी खा रही है। इसको अच्छा हुआ इसको धक्के मार के अंदर से निकाल दिया, बिकॉज अंदर ये कुछ भी नहीं कर रही थी, बहुत बोर कर रही थी, बहुत बोर कर रही थी। इससे इससे एंटरटेन तो उसकी सौतन है जो बार बार अपने पति को चिपकती रहती है। कृतिका, शेम ऑन इनको, इनको शर्म नहीं आई? और क्या नाक लेके अंदर गए कि दो दो बीवियां हैं मेरी भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमानों में चार बीवियां अलाउड है, वो भी उनके भी लॉ है भाई कि पहली बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी कर सकते हैं, दूसरी को नहीं तो पहली वाली को उतना ही समाज में रिस्पेक्ट देना पड़ता है। मुसलमानों में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, और वो मेरा ही गिनवा रही है मुझे। मेरा क्या गिना है, मेरी तो जिंदगी एक खुली किताब है, तू क्या मुझे बोलेगी, क्या मुंह लेकर बोलेगी तू, क्या पायल तू क्या मुंह लेके हमको बोलेगी? शौक है कि ये हस्बैंड वाइफ को बुलाया, बहुत अच्छा हुआ, इनका भांटा फूटा, तो एटलीस्ट लोग सतर्क हो गए कि बेस्ट फ्रेंड से बच के रहो, और ऐसी लगदी लानत वाली पायल जो है वो दूसरों के नाम की पब्लिसिटी खाने वाली छिपड़ी, छिपकली जैसी शक्ल वाली, बदसूरत दिमाग वाली, ऐसे औरत से बच के रहना चाहिए समाज में, क्योंकि ऐसे समाज के नाम पे धब्बा है। जो लोग हिंदुस्तान के लोगों को बोलते हैं कि दूसरी बीवी लाओ और सौतने लाओ और उनको अपना लो, इसको बोल कहते कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैं घर चली गई। इसकी स्टोरी सुनी मैंने, अरमान ने इसको बहुत अत्याचार किया ये तो, और बिग बॉस में बिग बॉस में जाके चुप बैठ गई। बिग बॉस में बोली बहुत अच्छा पति है मेरा, बहुत अच्छा पति है मेरा, क्योंकि उसको मालूम है ना कि अगर ये बुरा बोले कि बाहर आके उसकी कुटाई होगी, उसकी पिटाई होगी, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा जायदाद से। इसलिए पति की तारीफ करती थी, झूठी पति की तारीफ कर रही थी। वकूफ है तू एक नंबर की, बाहर आके हमारा नाम की पब्लिसिटी खा रही है। तुझे क्या लगा राखी सावंत कुछ नहीं बोलेगी, हमारे नाम की पब्लिसिटी खा रही है बाहर आके? उसको लगा राखी सावंत के नाम की पब्लिसिटी खाएंगे, उसके खिलाफ फालतू बातें करेंगे और देवोलीना के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमको बिग बॉस वापस ले लेंगे। अभी तुझे कोई वापस नहीं लेगा, तुझे धक्के मार के भगा दिया है बिग बॉस ने। इसने बाहर आके हमारे नाम की पब्लिसिटी खाना शुरू कर दिया, हर इंटरव्यू में जाके मेरा नाम ले रही है, मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रही है। और देवोलीना, हम लोग बड़े स्टार है ना, हम लोग बड़े स्टार है ना, और ये तो अभी नल्ली है ना, इसको कोई जानता नहीं है।
इसको थूथू कर रहे। अरे अपने पति को कुछ तो बोलती, दूसरी शादी करके लाया तो कुछ तो गालियां देती, कुछ तो बोलती, बट इसने अपने पति को कुछ नहीं बोला। बोलती है ठीक है जी, मुझे रख लो बच्चों के साथ। क्या बोलने का, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब ये है कि समाज में जो बंदा हिंदुस्तानी दूसरी बीवी लाए तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, घर में रख लो। ये बेचारी नहीं है, बेचारी नहीं है, हम बेचारी समझते थे, लेकिन हमारा नाम खराब कर रही है ये। अगर इंशाल्लाह अगर मैं बिग बॉस में गई तो मजा आ जाएगा।